अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाने जा रहे हैं बैंगन हरी प्याज। पाव किलो बैंगन है मेरे पास। मैंने इसको धोकर एक एक बैंगन के चार टुकड़े बना दिए हैं। हाफ कप तेल गरम कर रही हूँ। तेल गरम हो चुका है, फ्लेम स्लो कर दिया है मैंने। अब मैं इसमें बैंगन तल लूँगी। सारे बैंगन हमको इसमें हल्का हल्का फ्राई कर देना है। बैंगन को स्लो फ्लेम पे फ्राई कर रही हूँ मैं। हल्का हल्का फ्राई कर लिया मैंने इसको, ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। तीन हरी मिर्चियाँ मैंने काट दी है, अब ये भी मैं बैंगन में डाल रही हूँ। फ्लेम एकदम सिंपल है ताकि बैंगन ना जले। हरी मिर्ची डालकर हम इसको हिला लेंगे। तेल आप पे है, कम लेना है तो कम लीजिए। इसमें हम अब डाल देंगे 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट। वापस से हिला लेंगे इसको। डाल देंगे इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी। इसको वापस से हिला लेंगे। डाल देंगे इसमें नमक टेस्ट के हिसाब से। ये 10 हरी प्याज है पतली पतली, इसको मैंने बारीक बारीक काट दिया है। अब ये बैंगन में मैं हरी प्याज डाल रही हूँ। इसको हिलाकर हल्के हल्के हिलाना है। थोड़े कड़ी पत्ते भी ऐड कर दूंगी मैं। कड़ी पत्ते से बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। रख दो इसको सिंपल पकने के लिए। थाली मैंने निकाल दी है। ये सिम पर रख के हो चुका है। 5 मिनट तक बस सिम पर रखा था इसको। उससे पहले ही देखना है, अगर हो गया है तो निकाल देना है, क्योंकि पहले ही ये फ्राइड है इसलिए ये तैयार है। अभी गैस ऑफ कर रही हूँ। बैंगन हरी प्याज तैयार है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।